उनको जबरदस्ती अपने घर से मैंने निकाला है। अब इसके बाद में यहाँ पे यूथ सदर पूंछ चौधरी इमरान साहब हैं, मैं उनसे भी मुआवजा चाहूंगा। और यहाँ पे खुर्शीद मगोमी साहब हैं, मैं उनको टाइम भी देखता, मैं उनसे भी मुआवजा चाहता हूँ। मोहम्मद हुसैन साहब जो चिटी बंस है सोएदा रिटायर साहब, मैं उनसे भी मुआवजा चाहता हूँ। दुकानदार अब्दुल हमीद साहब है मारपुर से, मैं उनसे भी मुआवजा चाहता हूँ। फारूक अहमद अगर फदानी को खुशहाली में तब्दील करवाना चाहता है तो फिर सब पेश करवा, सबको बीपीएल के समझ से निकाल। हमने कहीं वो खुंडा कर दी, वो लूट मार करना, वो पैसे जमा करना, आज बड़ी जिम्मेदारी के सामने कह रहा हूँ कि जो 2014 में मेरे बैंक अकाउंट में 1400 रुपए थे, आज वो 1700 रुपए है। उसके अलावा अल्लाह को हाजिर नजर आकर कहता हूँ, मेरे पास कोई कहीं पैसा नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ पुरखलोस और बेलोस खिदमत थी। आज वो कौन सी पंचायत है जहाँ पे काम नहीं हुआ? मेरे बुजुर्गो, मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ दो बातें कहना चाहता हूँ आपसे। पहली बात यह है कि मैंने महबा जी यहाँ पे तशरीफ लाई, मैंने उनके सामने ये बात की कि 3 साल 2 महीने के बाद पुंछ का कोई हिंदू, पुंछ का सिख, पुंछ का मुसलमान, पुंछ का गुजर, पुंछ का राजपूत, पुंछ का कश्मीरी उंगली नहीं उठा सकता है शाम तांदे की तरफ कि मैंने किसी को दो उंगली से दो नजरों से देखा। हमारे तो पसमानदा इलाके थे, हमारा पसमानदा इलाका महलकोट था, हमारा पसमानदा इलाका बूढ़िया था राई में, हमारा पसमानदा इलाका गुंजा था। यह मेरी नीयत को देखिए आप कि आज से 1.5-2 साल पहले वो सड़कें मंजूर हो चुकी है। मैं ये बूढ़िया की बात यहाँ हुई शकीन साहब कह रहे थे, मैं चाहता हूँ मेरे मेयर को कहना चाहता हूँ, अगर ठेकेदार ने काम नहीं किया उसको कैंसिल करके फ्रेश रिटर्निंग की गई है, वो जल्दी वहाँ काम शुरू हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों क्या मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे हमें सिर्फ मंडी तहसील की आवाम को दावत दी थी, लेकिन मेरे जो मामूद करने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं हवेली के, वो भी यहाँ बैठे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे बताएं बगियाल दरा के साहिबान आए हैं, क्या वो ये जिम्मेदारी से नहीं कहेंगे जो 3 साल 9 माह में काम हुए वो पिछले 30 साल में नहीं? यहाँ पे बनमत के मेरे भाई बैठे हैं, वो बताएं कि जो बनमत इलाके में काम हुए 3 साल में और 9 माह में, क्या वो पिछले 30 साल में हुए? यहाँ पे मेरे खरेदर के भाई बैठे हैं, मैं खरेदर के भाइयों बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ कि यह गरीबों का कारवा आया, आज पक्की रोड जरूर तक जा चुकी है, आज रोड खरेदर कल्सा के टॉप तक पहुंच चुकी है, क्या वहां पर हमने तब्दीली नहीं देखी? बगिया दरा के सरपंच साहब बैठे हैं, क्या मैं उनसे पूछूंगा कि जो काम इन 3 साल 9 माह में हुए क्या पिछले 30 साल में वो काम मुमकिन हो सके? हमें, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, एक यकीन दिलाना चाहता हूँ जिससे मैंने आपको बुलाया, यह गरीबों का कारवा बहुत मजबूत है, यह बहुत मजबूत है। मुझसे पूछा गया था कि 3 साल 9 माह में आपकी सबसे बड़ी हजूरिया भी क्या है? मैंने उन्हें कहा कि मेरी सबसे बड़ी हजूरियाबी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जब मैं मेरे बना रात के अमल में रफेजुल जलाल के हजूर हाथ उठा दिए, बारीला ये गरीबों का कारवा बना, इस पे अपने कर्म का साया था प्रवा की पूरी कोशिश की, और मैं कहूंगा 80% उसमें 80% उसमें कामयाब भी हुए। तो मैं यही कहूंगा कि आने वाला वक्त एक बार फिर आपके इम्तिहान की घड़ी है, आने वाले फिर लोग ये जो है लूटने वाले आपके तरह तरह के वो जो है बेस बना कर आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, क्योंकि पुंछ मंडी की गवर्नमेंट हो या पुंछ की हो या हम किसी पे वोट मांगेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस गरीबों के कारवा के साथ जुड़े रहिए, और आने वाला वक्त इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ, मैंने एक बार जब इलेक्शन से पहले मैंने ये कहा था कि हम अगली बार आपको वोट मांगने आएंगे तो हम डेवलपमेंट पे मांगेंगे। इस बार भी मैं यही कहता हूँ कि जो डेवलपमेंट पिछले 70 साल में नहीं हुई और आप उसका रिकॉर्ड देख लें तो वो 3 साल में इस देश के रमदार ने करके दिखाई। तो मैं इसी पे आपसे जांच चाहूंगा।